हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक। नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था और आज मेरे साथ रांची से जुड़ रहा है अर्थशास्त्री जान ड्रेस, जाने माने अर्थशास्त्री है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन अध्यापक जी के साथ उन्होंने काफी बहुत सारे किताब लिखे हैं, लेख उनका प्रकाश किया। उनका जन्म हुई थी बेल्जियम में, मगर वो भारतवर्ष में 1979 से है, 2002 में भारतवर्ष का नागरिक बन गया है। और मैं ये भी कह सकता हूँ बहुत सारे भारतीय नागरिक से भारतवर्ष का जो ग्रामीण इलाका में जो संकट है इसके बारे में जान ड्रेस का जानकारी है। तो प्रोफेसर जान ड्रेस, धन्यवाद आपका समय आपने दिया। आपका ये जो झारखंड में जो खाद्य सुरक्षा का जो अभियान है, आपने अभी भी एक समीक्षा किया, ये 19 जिला में, और ये आपने समीक्षा किया और समीक्षा से ये आपको पता चला कि झारखंड में बहुत सारे लोग के पास आज राशन कार्ड नहीं है, जो पीडीएस सिस्टम है, जो जन वितरण जो प्रणाली है उसका सुविधा उनके पास नहीं मिल रहा है, राशन कार्ड नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि कहाँ पे ये दाल भात केंद्र चल रहा है। तो आपका ये जो खाद्य सुरक्षा का अभियान का जो समीक्षा आप लोग ने किया, इसके इस विषय के ऊपर आप कहिए। आप रांची में अभी रांची विश्वविद्यालय से आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, बताइए जानवीर जी। हाँ परंजॉय, सबसे पहले इस सर्वे का उद्देश्य समझना जरूरी है। झारखंड की बात जब करते हैं या बिहार की बात जब करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले इस बात की याद रखना जरूरी है कि झारखंड और बिहार दुनिया में कुपोषण और भूख की राजधानी है। खास करके बिहार में एक बहुत बड़ा रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर है, मतलब करोड़ों लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है या बहुत कम है, जिनके पास संपत्ति नहीं है, जिनके पास शिक्षा कम है, जिनके पास इस तरह का स्किल भी नहीं है जो जिससे आज के बाजार में इस्तेमाल किया जा सके। स्किल तो है उनके पास लेकिन इस तरह का स्किल नहीं है जिससे कमा सकें। और आज के जमाने और खास करके क्योंकि उनकी जमीन भी कम होती जा रही है, उनका सबसे बड़ा लाइफलाइन पलायन है। पलायन करके कहीं बॉम्बे जा रहे हैं, कहीं केरल जा रहे हैं, तो इस समय उनका लाइफलाइन तोड़ा गया है और इसके कारण जैसे के तैसे अपने गांव लौटने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगले कुछ महीनों में पलायन करने से डरेंगे क्योंकि उनको पता है कि कहीं भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उनका अनुभव इतना बुरा रहा है तो अपने गांव के आसपास और वहीं मजदूरी की, लेकिन वहां काम बहुत कम है, थोड़ा बहुत खेती का काम होगा, इधर उधर थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम या रिक्शा चलाने का काम मिलेगा, तो ये अर्निंग्स कम होते रहेंगे। अगले कुछ महीनों में दोनों राज्यों में, बिहार और झारखंड और कई राज्यों में भी हमको ये समझना है कि ये लोग सरकारी समर्थन से ही ज्यादा से ज्यादा जिएंगे, जिसमें जन वितरण प्रणाली है, सोशल वेलफेयर की। तो हमारा सर्वे का उद्देश्य ये था कि इस समय इन योजनाओं से लोगों को क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या समस्या है। तो दुख की बात यह है कि झारखंड में इस समय वैसे जन वितरण प्रणाली से जिनके पास राशन कार्ड है इनको थोड़ा सा मदद तो मिल ही रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास राशन, और बाकी जो है जैसे आपका दाल भात केंद्र है जिसको कम्युनिटी किचन बोलते हैं, या जो आंगनवाड़ी में टेक होम राशन मिलना चाहिए, लोगों को आना जाना मुश्किल है, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है टेक होम राशन का इंतजार है। सो एट द टाइम व्हेन द सोशल सपोर्ट सिस्टम इज मोस्ट नीडेड इट इज एक्चुअली टर्न आउट टू बी वेरी वीक। तो लॉकडाउन अगर एक्सटेंड होगा तो हमको लगता है कि ये बहुत गंभीर स्थिति होगी और रिलीफ मेजर्स एक्सटेंड और कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी होगा। अच्छा जॉनरिस जी, आपने कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख आपने लिखा है, आपने लिखा कि भारतवर्ष का जो फूड कॉरपोरेशन इंडिया के पास जो खाद्यान्न का चावल गेहूं का भंडार है हमारा जितना जरूरत है उसके 3.5 गुना है। तो ये जो चावल है, ये जो गेहूं है, ये क्यों आप राज्य सरकार में वो नहीं पहुंचा पा रहे? क्या है कि वो कैरेज कॉस्ट चार्ज राज्य सरकार से, तो अगर कैरेज कॉस्ट देना पड़ेगा तो 1 किलो के लिए आपको 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया देना पड़ेगा, तो ये खर्चा कौन देगा?
इसको अगर मुफ्त में आपको बांटना है गरीब लोगों के पास, तो ये रास्ता क्या है? केंद्र सरकार क्या कर सकते हैं, राज्य सरकार क्या कर सकते हैं? आपने जैसे लेख में कहा कि एक परिवार में सबसे जो कमजोर व्यक्ति है वो आज भूखा है और भंडार में भरा हुआ है चावल और गेहूं। ये बहुत ही एक आश्चर्य स्थिति में हम लोग आज है, जिस समय एक स्वास्थ्य आपातकालीन की स्थिति से एक आर्थिक संकट के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। नहीं, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये स्थिति बहुत अजीब और उटपटांग है। उसका उपाय मुश्किल नहीं है, उसका उपाय ये है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ज्यादा अनाज दें और फ्री भी दें, ताकि जन वितरण प्रणाली को मजबूत कर सकें और उसके साथ कई तरह के रिलीफ मेजर्स भी इम्प्लीमेंट कर सकें, जैसे मिड डे मील, कम्युनिटी किचन आदि। आप सोच लीजिए, झारखंड अगर देखें तो झारखंड में 60 लाख परिवार है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और जिन्होंने जिनका राशन कार्ड की जरूरत है और उन्होंने अप्लाई भी किया है। आप समझ लीजिए, एक राज्य में कितने लोग हैं? झारखंड में 60 लाख लोग है, यानी कि 60 लाख लोग के पास राशन कार्ड नहीं है एक राज्य में, झारखंड में। ठीक, झारखंड में 20 लाख परिवार है जिनके पास कार्ड नहीं है, और उसमें से 60 लाख परिवार है जिन्होंने जिनका राशन कार्ड की जरूरत है और अप्लाई भी किए हैं। अब सोच लीजिए, अगर इन 60 लाख परिवारों को 6 महीने तक इमरजेंसी राशन कार्ड देना है, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से इनको 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तो आपको केवल 1 लाख टन का अनाज की जरूरत है, 1 लाख टन, जबकि केंद्र सरकार के पास अभी 800 लाख टन है, और अभी तो फसल आ रही है, तो हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में 200-300 लाख टन और प्रोक्योर हो जाए। तो आपका सवाल यह है कि केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रहा है? देना तो चाहिए। नहीं देने का एक कारण कि जो फूड सब्सिडी है, फूड सब्सिडी क्या है? फूड सब्सिडी का मतलब यह है कि FCI, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, MSP के हिसाब से खरीद रहे हैं, और PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS के दाम के हिसाब से बेच रहे हैं, जो बहुत कम है, 3 रुपीज पर किलो फॉर राइस, 2 रुपीज पर किलो। और जो MSP है, जो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है, इससे ज्यादा है। राइट, सो देयर इज अ डेफिसिट, और बीच में ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, वेस्टेज, इस तरह का खर्चा है। सो दैट इज द फूड सब्सिडी, बट द फूड सब्सिडी इज कैलकुलेटेड एट द पॉइंट ऑफ रिलीज, जब अनाज की वितरण होती है तभी फूड सब्सिडी की हिसाब किताब होती है। एंड दैट इज वाई अगर आप वित्त मंत्री का रिलीफ पैकेज देखेंगे, उसमें 40,000 करोड़ रखा गया है ओनली टू रिलीज सम एक्सेस स्टॉक्स ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फॉर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दिस इज वेरी इलॉजिकल, बिकॉज व्हेन यू रिलीज एक्सेस स्टॉक्स यू आर एक्चुअली सेविंग मनी, द कंट्री इज एक्चुअली सेविंग रिसोर्सेज, बिकॉज storage costs go down, wastage is avoided. So in economic terms, you are saving resources. But in accounting terms, आपका deficit बढ़ रहा है, और आपके जो credit agencies हैं, वो तो food economy नहीं देख रहे हैं, वो तो fiscal deficit देख रहे हैं। इसलिए वित्त मंत्री को डर लग रहा है कि हम food grain release करेंगे तो fiscal deficit बढ़ेगा। अध्यापक जानरी सर, ये फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय घाटा के बाद तो आज लोग भूल गए हैं। मैं समझता हूँ निर्मला सीतारामन जी को भी भूलना चाहिए। तो स्केल क्या करना चाहिए? या ये जो फूड कॉरपोरेशन के पास जो भंडार है चावल का, गेहूं का, जो आप कह रहे हैं ये रबी फसल के प्रोक्योरमेंट के बाद ये 800 लाख टन से भी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये तो मुफ्त में वितरण क्यों नहीं हो रहा है? ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ यही कारण है कि नॉर्थ ब्लॉक में कुछ लोग बैठे हैं कि वित्तीय घाटा बढ़ना नहीं चाहिए, यही कि ये कारण है, नहीं और कोई कारण? ये जो सवाल है आपको केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा। बट देखिए, रिलीज तो थोड़ा बहुत किए हैं, अगले 3 महीनों में PDS के राशन को डबल करने के लिए रिलीज तो किए हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है।
झारखंड जैसे राज्यों में अगर भूख से बचना है तो आपको अगले कम से कम 6 महीने या 12 महीने में सबको राशन कार्ड देना पड़ेगा। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ये इसके जो लिए 60 लाख परिवार है, इसमें 20 लाख परिवार जिसके पास राशन कार्ड नहीं, इनको मिलना बहुत ही जरूरी है, यही आप कह रहे हैं? बिल्कुल जरूरी है और कोई मुश्किल भी नहीं है। उन्होंने अप्लाई किया है, उसका उनका रिकॉर्ड है, उनका लिस्ट है, सब तैयार है। केवल इनको इमरजेंसी राशन कार्ड देना है मेरे ख्याल से कम 12 महीने के लिए। इन 12 महीनों में इस लिस्ट को चाटने का मौका मिलेगा। अगर कोई एलिजिबल नहीं है तो ठीक है, देखते हैं, बट तब तक कम से कम सबको दिया जाए। जब इतना सारा अनाज है और अनाज सड़ने का बड़ा खतरा है अभी, क्योंकि उसके बाद मानसून आएगा, बारिश हो जाएगी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अनाज और रिलीज नहीं करेंगे तो इस मानसून के समय बहुत बड़ा वेस्टेज होने वाला है, सर जाएगा, अनाज सर जाएगा, आप कह रहे हैं। हाँ, तो इससे अच्छा है कि गरीब लोगों को दें। अच्छा, तो जानवी जी, एक अगर हम जो कहते हैं बिग पिक्चर, जो अर्थव्यवस्था का जो ब्रज छवि है, जो बिग पिक्चर के बारे में आप दो बात कीजिए। एक तो है विश्व में और भारतवर्ष में बहुत लोग कह रहे हैं कि 100 साल में या 70 साल में या 80 साल में ऐसे आर्थिक संकट हमने कभी नहीं देखा जिस समय से हम गुजर रहे हैं। झारखंड बिहार जैसे राज्य से लोग क्यों पलायन करते हैं शहर में? क्योंकि रोजगार के लिए, अपने जीविका के लिए, आज वो वापस आ गए अपने गांव के पास। ये पूरा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहर के अर्थव्यवस्था में एकदम इसका एक असर पड़ रहा है। और साथ साथ अमीर और गरीब के बीच जो दुराई था, जो इनइक्वालिटी था, ये भी बढ़ गया। तो अभी आप क्या देख रहे हैं, ये आने वाले जो कुछ दिनों में हम क्या देखेंगे? हम सूरत में देख रहे हैं कि वहां पे जो पलायन करने जा रहे हैं वो उसका मौका नहीं है तो वो दंगा कर रहे हैं। हम देखा राजस्थान में उदाहरण है, एक ट्रक में जो आटा का बैग था वो लूट कर लिया लोगों ने। तो क्या लग रहा है हमारे देश में? तो अमीर और गरीब के बीच जो दुराई है तो बढ़ गया है, मगर हमारे देश में फ्रांस जैसे, रूस जैसे, चीन जैसे क्रांति तो नहीं हुई। क्या होने वाले है, क्या हम देखेंगे कि ये सारे खाद्यान्न को लेके दंगा होने का एक संभावना है? तो परंजोय, मुझे लगता है कि अगले कई महीनों में आर्थिक संकट का बड़ा संभावना है। मान लीजिए अगर लॉकडाउन बहुत जल्दी से उठाया गया है तब तो कुछ उम्मीद रख सकते हैं कि इकोनॉमिक रिवाइवल 1 साल के अंदर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन इतना जल्दी से उठाए जाएंगे। दूसरा, जो जिसे मैं पहले बोल रहा था, जो पलायन करने वाले मजदूर है लॉकडाउन तो भी अपने घर से निकलने को डरेंगे। तो जो भारत के गरीब राज्य है जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, इन राज्यों में बहुत बड़ा एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर होने वाली है, क्योंकि लोग पलायन नहीं करेंगे तो अपने इलाके में काम का तलाश करेंगे, मजदूरी गिर जाएगी। जो थोड़ा सा विकसित राज्य है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, वहाँ हो सकता है कि थोड़ा सा लेबर शॉर्टेजेस हो जाए परहैप्स, अगर लॉकडाउन ढीला हो गया और पलायन नहीं हो रहा है तो वहाँ लेबर शॉर्टेजेस रहेंगे, तो वहाँ शायद मजदूरी बढ़ जाएगी और मजदूर वर्क दे विल मैनेज। बट इन द पुअर स्टेट्स दे आर गोइंग टू फेस अ ह्यूज क्राइसिस ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिक्लाइनिंग अर्निंग्स। इसलिए हम कह रहे हैं कि इन राज्यों में, खासकर राज्यों में, वी हैव टू रियली पे स्पेशल अटेंशन टू द पुअर स्टेट्स। और ये समझना जरूरी है कि इन राज्यों में लोग सरकारी समर्थन से ही काफी समय तक रहेंगे। एंड इन द फाइनेंस मिनिस्टर रिलीफ पैकेज इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिख रहा है, डिस्क्रिमिनेशन बट इस तरह का स्पेशल सपोर्ट फॉर द पुअर स्टेट्स नहीं दिख रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि इन गरीब राज्यों के लिए स्पेशल मेजर्स, स्टार्टिंग विथ स्पेशल फूड ग्रेन क्वोटास जिसकी बात हम कर रहे थे, ताकि वहाँ इन सारे गरीब राज्यों में यूनिवर्सल PPS शुरू किया जा सके। जो वित्त मंत्री ने जो घोषणा किया, जो 1,70,000 करोड़ की बात उन्होंने किया, इसमें तो बहुत सारे
एक हिस्सा है तो बजेटरी स्कीम्स में वैसे भी था, मगर हमारे पूरा अगर जीडीपी अगर देखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद, तो इसका 1% भी नहीं बढ़, कोई कहते आधा फीसदी है। अमेरिका जैसे दे, उसका जो रिलीफ है, जो राहत के लिए जो पैकेज है, जो आर्थिक पैकेज है, वो उन देश का जीडीपी का 10% है, और भी देश इससे भी ज्यादा है। तो इतना कम क्यों खर्च कर रहे सरकार? एक 100 साल में हमने ऐसा आर्थिक संकट नहीं देखा, आपके सामने देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, मगर नॉर्थ ब्लॉक में जो बैठे हैं, साउथ ब्लॉक में जो बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी, वो उसको क्या नहीं दिखाई दे रहे कि और खर्चा करना जरूरी है? और जो गरीब राज्य के आपने जैसे बात किया, जैसे झारखंड, जैसे बिहार, जैसे बंगाल, जैसे छत्तीसगढ़ और भी ऐसे राज्य को अलग इसके लिए एक विशेष कुछ कार्यक्रम की जरूरत है। आप सही कह रहे हैं, ये देखिए, ये भारत का समाज और राजनीति की का एक फीचर है कि गरीबों को बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है और गरीबों का आवाज बहुत कम है, जिसके कारण जिस तरह का समर्थन इनको इस स्थिति में मिलना चाहिए, इससे बहुत कम मिल रहा है। आप याद रखिए, पिछले साल जब इकोनॉमिक स्लोडाउन का थोड़ा थोड़ा साइंस दिखने लगे, तो तुरंत पावरफुल एंड द प्रिविलेज्ड मैनेज टू get more resources at all times. This is not a matter of this particular crisis. There is a chronic problem of lack of attention and resources being given to people. And this is but relief package kam hai, ye ek sawal hai. Lekin dusra sawal hai ki is relief package mein there are some missing components. There are some components that are completely missing. And I'll just mention two. One is emergency relief for people who fall through the cracks of all these schemes, jinke paas ration card nahi hai, jinke paas pension nahi hai, jinke paas Jan Dhan Yojana nahi hai, and migrant workers is one of these categories. They need emergency relief on the spot. They need shelter, they need food, they need healthcare. There was no provision for that in the relief package. और दूसरा एक कैटेगरी है जिसका जिसकी बात ही नहीं हो रही आजकल, दिस इज जो बुजुर्ग लोग हैं, जो विधवा है, जो विकलांग है, जो सामान्य समय भी बहुत मुश्किल से जी रहे हैं, अपना छोटा मोटा पेंशन से जीने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है, नहीं के बराबर है। हेल्थ वाइज दिस इज द मोस्ट वल्नरेबल कैटेगरी, मोस्ट ऑफ द डेथ्स from coronavirus are among the elderly, but right now they are not provided with any particular support from the government. And remember also that even the social support, even the family support, tends to be least for the elderly in a time of crisis like this. Jab ghar mein anaj nahi hai, khana paryapt nahi hai, to log mostly kya karte hain ki bachchon ko bachane ki koshish karte hain, to protect the children. And then the adults, and last the elderly. So the elderly are the last. They are the last for the society. They are the last for the family. And now we see that they are also the last for the government. क्योंकि सरकार ने केवल उनको one of 1,000 rupees का grant का प्रावधान किया है in that relief package. So out of 1.7 lakh crore, only 3 crores have been spared for these elderly people who are the most vulnerable. So I think ये बहुत जरूरी है कि इनका पेंशन बढ़ाया जाए, not I would say temporarily but even permanently. So not only is the relief package too small, लेकिन उसमें कई gaps भी दिख रहे हैं। Okay, मेरा आखिरी जो सवाल है आपसे जानरेज जी, आप क्या देख रहे हैं आने वाले महीनों में? आप जैसे अर्थशास्त्री और भी लोग, सरकार को तो ये सलाह आज नहीं, बहुत साल से आप दे रहे हैं,
फूड कॉर्पोरेशन का चावल गेहूं आप मुफ्त में वितरण कीजिए, आप ये जो पीडीएस है, जो जन जन वितरण प्रणाली है, इसको आप और जोर कर दीजिए, ये और सबको आप राशन कार्ड दे दीजिए, सबको मुफ्त में दीजिए, जो 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 प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है इसको आप इस और इसमें और पैसा आप खर्च कीजिए। ये सब आज नहीं, बहुत साल से आप जैसे व्यक्ति और वैसे व्यक्ति सरकार को सलाह दे, सरकार आपका बात सुना नहीं, इस बार क्या सुनेंगे? और आप क्या देख रहे हैं आने वाले 6 महीना इस साल 2020 साल क्या होने वाले? आप थोड़ा भविष्यवाणी कीजिए, आपका क्या लग रहा है क्या होने वाले हैं? आपका जो 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 पलायन किया, जो जो आपका जो जो मजदूर है, जो जो आपका प्रवासी मजदूर है और जो बुजुर्ग व्यक्ति है, इनके लिए की आने वाले 6-8 महीना 1 साल एकदम अंधकार भविष्य आप देख रहे? परंजोय, मैं सरकार का सलाहकार नहीं हूँ, मुझे सरकार की कृपा से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, मुझे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उम्मीद है। सो आई एम नॉट एड्रेसिंग माई सेल्फ टू गवर्नमेंट, मैं अपना एनालिसिस अपना सोच रख रहा हूँ, अगर सरकार सुनना है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम पब्लिक से बात करेंगे या आपसे बात करेंगे या मीडिया से बात करेंगे। जब लॉकडाउन शुरू हुई है तो मैं उस समय 4 पॉइंट का एक रिलीफ प्लान का सुझाव दिया था, जिसमें जन वितरण प्रणाली था, पेंशंस, उसके ऊपर मास कैश ट्रांसफर्स एंड इमरजेंसी मेजर्स जैसे कम्युनिकेशंस एंड शेल्टर फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। अभी भी मुझे लग रहा है कि इस तरह का फ्रेमवर्क मीडियम टर्म रिलीफ मेजर्स के लिए है, नॉट जस्ट लास्ट नेक्स्ट 2-3 months बट फॉर द नेक्स्ट ईयर परहैप्स। और उसमें हमको लगता है कि नरेगा को जो रोजगार गारंटी कानून है उसको भी जोड़ना जरूरी है, क्योंकि इस समय रोजगार गारंटी का काम चलाना मुश्किल है, लेकिन लॉकडाउन अगर खोलें या ढीला हो जाए तो हमको लगता है कि रोजगार गारंटी योजना का बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। तो इसके अलावा मुझे लगता है कि देखिए लॉकडाउन जरूरी है या जरूरी नहीं है, इसका मेरा कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है, बट आई थिंक आई वुड ओनली से कि ये बहुत जरूरी है कि हम न केवल जीवन बचाने के दृष्टिकोण में ना देखें, ये जो मौत की गिनती है कि लॉकडाउन होगा तो इतने लोग मरेंगे, लॉकडाउन नहीं होगा तो इतने लोग नहीं मरेंगे, नेचुरली वी हैव टू टेक दिस things into account, but we cannot only go by the count of deaths. We have to think of people's rights, including the right to life. For example, लोग भूखे ना रहें, भूख से ना मरें, इसका कोई compromise नहीं हो सकता है, this is not negotiable. And there have to be some basic principles of participation, of solidarity, of dignity. I think we have to think also in those terms, and not just in terms of a public health emergency where lives have to be saved. So I'm hoping that future planning may we will see this problem in this larger perspective and give due importance to people's rights and livelihood and all the resources that are required to avert a humanitarian crisis. Dhanyavaad. Thank you so much, Adhyapak John Rees ji. Aapne vistar se baat kiya. न्यूज क्लिक का दर्शक के लिए एक बार और मैं आपको धन्यवाद दिया, और आप लोग जो जान रीज का बातचीत सुना, देखते रहिए न्यूज क्लिक।